हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बार्ड लवर देवजीत। तो आज आपको बताएंगे कि आपका भी बार्ड कैसे बैठा रहता है। तो सीजन चेंज हो रहा है, इसीलिए आपका जो बार्ड है इसी तरीके से जो गाप फुला के बैठा रहता है। लेकिन इससे आपको डरने की बात नहीं है, कुछ छोटा भी डर है इससे डर जाता है। ये तो सीजन चेंज हो रहा है इसीलिए ऐसे बैठा रहता है। तो इसको क्या करना है ताकि अगले जो इसको बॉडी है वो रिकवर कर पाए, तो चलिए इस वीडियो में आपके साथ ये बातें शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो सिल्वर जावा स्पैरो का जो चीक्स हुआ है वो गाप फुला के बैठा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, और जो यहाँ बाला कॉलोनी है यहाँ पर, उसमें भी जो कुछ चीक्स ऐसा है जो गाप फुला के बैठा रहता है। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं क्या करूँगा, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे और एक छोटा सा केज में रखेंगे, और उसके बाद आपको बोलते हैं कि इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। ये देख सकते हैं सिल्वर जावा स्पैरो, ये गा जो विंग्स है वहाँ पर अपना मुंडे दे के बैठा रहता है, ठीक है ना। ये घबराने की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ठंडी लगने से वजह से या वेदर चेंज हो रहा है अचानक ठंडी, या रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और दिन के या दोपहर के दो बजे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसीलिए आपका जो बाघ है वो इस तरीके से बैठा रहता है। तो यहाँ पर देख सकते जो छोटा केच है मैं इसमें लूँगा, ये जो सारे कुछ बाघ है गाप फुला के बैठे रहते उसको मैं पकड़ेंगे और धूप में थोड़ी देर रख देंगे, तो वो जो बाघ है उसको रिकवर कर लेता है, ठीक है ना। जो ऐसा छोटा बिगर है उसको पता नहीं होता और इससे घबरा जाता है, और आपका जो बाघ है उसको कुछ मेडिसिन दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते मैंने कुछ बाघ को पकड़ लिया है। यहाँ पर ब्लैक जावा है, सिल्वर जावा है और एक फोन जावा भी है, ठीक है ना। इसने मैंने कुछ दिन से वॉच किया है, तो इसने गाप फुला के बैठा रहता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, जो दोपहर के टाइम, जो सुबह के टाइम लगभग 8 से 10 बजे या 11 बजे तक जो धूप मिलता है उसमें थोड़ी देर मैं रख दूँगा। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि रखने के बाद आपको धूप में कुछ भी पानी वगैरह नहीं देना है, और जब भी आप छाँव में देंगे तो उस टाइम पर भी आपको पानी वगैरह आध घंटा या 30 मिनट या 20 मिनट तक आपको कुछ भी पानी वगैरह नहीं देना, इससे बाघ को प्रॉब्लम हो सकता है। तो और एक बात मैं बोल देता हूँ कि छोटा बीडर होता है तो यहाँ पर गाप फुला के बैठा रहता है, तो आप समझते हैं कि वो बाघ को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेदर चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी इस टाइम पर मेडिसिन आपको नहीं देना है, आप कुछ देर धूप में रख लीजिए और आपका जो बाघ है वो कुछ दिन के कुछ ही टाइम के बाद ही रिकवर कर लेगा। और एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रात के टाइम पर आपको बाघ को अच्छी तरीके से ढकना पड़ेगा, और इस टाइम पर जो थोड़ा सा ब्लैक सीट आपको ज़्यादा करके प्रोवाइड करना होगा। आप जो भी सीट मिक्स अपने जावा स्पैरो को प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक सीट आप ज़्यादा करके प्रोवाइड करेंगे तो बाघ के शरीर में हीट फायदा होगा, और ब्लैक सीट खाने से बाघ के शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको ब्लैक सीट, और विंटर का सीजन आ रहा है तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक बल्ब भी अपने कॉलोनी में लगा के रखना है और कुछ देर के लिए जलाना है और फिर बंद कर देना है, ठीक है ना। और अपने बाघ को अच्छी तरीके से ढक के रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर मैं जो रेड कलर का जो बल्ब मिलता है जो हीट फायदा करता है शॉप में जाके मैं ख़रीद के लाऊँगा और यहाँ पर लगा दूँगा। तो बारा कॉलोनी में भी बहुत ही सारा चीक्स हुआ है, तो उसको भी आप देख बाद में दिखाएँगे आपको। और इसी तरीके से मैं अपने जावा स्पैरो को मेनटेन करता हूँ, और इस तरीके से करेंगे तो आपका जो बाघ है कुछ दिन के बाद ही रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा आपको धूप में नहीं रखना है, दोपहर के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा धूप होता है, इसलिए उस टाइम पर आपको नहीं रखना है, आपको लगभग 9 से 10 या 11 बजे तक आपको रखना है और आपको बाघ जो है रिकवर कर लेगा। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स,